काफी इंटरेस्ट का विषय। इसीलिए हम कहते हैं कांग्रेस हमारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चुनाव के वक्त आ जाते हैं, कुर्ते पजामे सिलवा लेते हैं, कुछ इधर उधर की बात करते हैं, डेवलपमेंट से कैसे ध्यान हटे जनता का, क्योंकि मोदी जी ने भी विकास किया, शिवराज जी ने भी विकास किया, तो विकास की आई बहस करिए तो विकास में करिए ना। कौन नेता कांग्रेस का हमारे सामने विकास के लिए बहस करने के लिए खड़ा हो सकता है, बताएं? कांग्रेस अब बहुत दयनीय पार्टी, थोड़ा अफसोस होता है। अमित शाह जी के दौरे को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं अभी, और भी जो दौरे होने वाले हैं वैसा लगातार उनकी एक बनाते हैं, उनके दौरे को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह मिले थे। हाँ है, और हमारे नेता हैं संगठन, और हमें गर्व होता है जब भी वो आते हैं और टीकते जाते हैं चुनाव को, क्योंकि भारतीय राजनीति में तो चाणक्य हैं, और जिस तरीके से वो काम करते हैं, कोई सा भी अभेद किला उनके सामने रखते हैं वो भेद कर रहे हैं, उनकी विशेषता है। अमित जी कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ही इंस्पायरिंग है और प्रेरणा देने वाले हैं, जब भी वो कार्यकर्ताओं के बीच में आते हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह आ जाता है, डबल उत्साह से लोग काम करते हैं। बस सपाक संगठनों की जो सक्रियता बढ़ रही है, आपको कहना है कि अर्बन नक्सलिज्म कहीं ना कहीं ये पनप रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप तमाम जो संगठन एकजुट हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी आक्रोश है, तमाम जो जिम्मेदार हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी गुस्सा जाएगा? देखिए ऐसा है कि अर्बन नहीं, कांग्रेस वामपंथी तथा कथित एनजीओ जो विदेशों से फंडेड थे, जिनका विदेशी फंड मोदी जी ने कम कर दिया है, तथा कथित वो साहित्यकार जो सरकार के सहारे पर पुरस्कार प्राप्त करते थे, वो पुरस्कार जुटाने वाले सब लोग, ये सब लोग का एक नेक्सस है जो देश में विकास में चाहते, देश को बांटना चाहते हैं। आप याद करिए कि जब नारे लगे विश्वविद्यालय में जे एन जी कि भारत तेरे इंशा इंशाने पर बन गया, कांग्रेस भी वामपंथी नेता सीताराम येचुरी टी राजा आप पार्टी के नेता, ये सब तथा कथित साहित्यकार एन जी ओ को समर्थन करेंगे, तो समझते हैं कौन इस देश का नागरिक है जो इस नारे को लगाने वाले लोगों के समर्थन में खड़ा हो, इसलिए इनके चेहरे को पहचानना चाहिए, इनको देश के डेवलपमेंट से नफरत, मोदी जी से नफरत, क्योंकि मोदी जी देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं,
ब्लास्ट कर रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्रकारी लोग तो समाज को बांटना चाहते हैं। मैं तो सभी सपा के रूप से भी और हमारे जाति और जनजाति के हम देश के लिए लड़ देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद की बात करें सिर्फ मैं मेरा समाज यहाँ तक नहीं मेरे मेरा देश अगर नारा लगाना हो तो ये लगाएं कि जात हमारी कोई भी हो धर्म हमारा हिंदू हो धर्म हमारा कोई भी हो माता हमारी भारत ये नारा लगाना चाहिए देश में कुछ हो आज हमें दुनिया के सामने देश को आगे बढ़ाना देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद की बात करना चाहिए विकासवाद की बात करना चाहिए सब लोगों को समझ में आ जाएगा मैं नहीं समझता कि पार्टी से कोई बड़ा नहीं करना चलिए आज जल्दी आज मतलब सो गए बेटा आपको बताइए।